नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एडवांस मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के 2000 सवालों की सीरीज। देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ वुड ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग वुड इज। देखिए अब क्या है, एक कोन है राइट सर्कुलर कोन और वो किससे काटा जा रहा है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ वुड मतलब सिलेंडर से। तो सिलेंडर आप बनाओ ऐसे करके, ठीक है। अब आप देखो यहां से ये जो सिलेंडर होगा इसमें से हमको इसी हाइट का, ठीक है। देखो अब इसकी क्या है रेडियस सेम, मतलब इसकी रेडियस 4 हो गई, ये रेडियस, और हाइट कितनी दे रखी इसकी, यहां से लेके यहां तक हाइट दे रखी 5, ठीक बात है। ये होगा इसका बेस, ये सर्कुलर एंड का मिड पॉइंट और ये भी सर्कुलर एंड का मिड पॉइंट, यही हो। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 दे रखी है। अब देखो क्या हुआ, एक सिलेंडर यहीं से और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, देखो यहां से अगर हम सिलेंडर बनाए क्या नाम कोन, देखो ये यहां से लेके यहां तक अगर ऐसा कुछ कोन होगा, इसकी स्लैंट हाइट कितनी 5 दे रखी है, यहां से लेके यहां तक 5। इसकी हाइट कितनी होगी आप बता सकते हो, देखो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है यहां से यहां तक, क्योंकि रेडियस सेम है। तो 3 4 5 का आपको क्या पता है, आपको 3 4 5 का पता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई 3, ठीक है, ये यहां तक नहीं बल्कि यहां तक कहीं तक जाएगा, ठीक है। तो वो आप इसको हटा दो, यहां तक कहीं तक जाएगा वो 3 है, क्योंकि ये वो पूरी तो 5 है, वहां तक तो नहीं जा सकता। तो इसकी हाइट कितनी होगी 3, क्योंकि 3 और 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होता है। अब देखो क्या, इसको हटाया जाएगा। तो देखो हटाने पे क्या होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, सिलेंडर का, कितना होता है 2πr2। ये 2πr2 सर्कुलर एंड्स के और 2πrh ये कर्व सरफेस। यहां से आप देखो क्या माइनस करोगे, देखो ये, देखो ये हो गया, इसके बाद क्या माइनस करोगे, देखो ये जब सर्कुलर एंड होगा तो ये हटेगा, क्योंकि कोन हटाया जा रहा है, ये हट जाएगा पूरा पार्ट, इसमें से आप माइनस कर दो -πr2। और जब ये पार्ट हटाओगे आप ये वाला, तो देखो अंदर क्या बचेगा सिलेंडर के, देखो यहां से सिलेंडर के अंदर हमारे पास बचेगा कितना पार्ट, यहां से लेकर देखो जो ये तो पार्ट हट गया पूरा, इसको हटा दिया, ठीक है। देखो ये जैसे ही हटाया जाएगा सिलेंडर वाला, ये देखो यहां से यहां तक एक शेप ये आ जाएगी, इस तरह की शेप, ये हटा दो ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कोन टाइप का बन गया इतना पोर्शन, इसका क्या होगा कर्व सरफेस एरिया आप जोड़ना पड़ेगा, इसका CSA कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि ये हटाने के बाद इतना पोर्शन देखो ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। तो अगर आप इस पे सोचो आप कि अगर हम इसको कपड़े से ढकना चाहे तो ये देखो ये पूरा ढके रहेगा, ये एक्चुअली में क्या ढक रहा है, पूरा कोन और इतना सिलेंडर का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2πr² + 2πr - πr² और अब इसमें क्या जुड़ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, किसका सिलेंडर का πrl आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आएगा रिमेनिंग वुड का सरफेस एरिया, ठीक है। अब आप यहां से वैल्यू पुट करो, 2π कॉमन हो गया इन दोनों में से, तो r² + rh, r भी कॉमन ले लो, कितना आया r + h, ठीक है, और ये -πr² देखो इसमें से -πr कॉमन ले लो और ये कितना हो जाएगा r - l, ये r - l हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास, ठीक बात है ना। अब देखो यहां से ये कितना हो गया 2π और r कितना है, रेडियस दे रखी हमको 4, तो 4 हो गया रेडियस, 4 और प्लस 5 9 हो गया ये, -π और रेडियस कितनी दे रखी 4, ये 4 और ये 4 - 5, ठीक है, r - slanted कितनी 5, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 9 × 4 = 36 × 72π, और देखो ये कितना माइनस का 4π और अंदर कितना माइनस का 1 मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +4π, 72π प्लस 4π कितना आ गया 76π, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जितना भी बचेगा। ऑप्शन सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ कोन इज कट इनटू टू पार्ट्स बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द अपर पार्ट एंड द फ्रस्टम इज। अब देखो एक कोन है, इस तरह के हम लोगों ने काफी सारे सवाल किए ना जिसमें कोन मतलब पैरेलली बेस के कट किया जाता है एक प्लेन से, ठीक है। देखो क्या किया जा रहा है, ऐसे काटा जा रहा है, तो अब क्या बता रहा है, देखो क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, देखो यहां से लेके यहां तक ये इसकी पूरी एक्सिस होगी, यही जो हाइट होगी, मतलब एक्सिस का मतलब ये हो कि थ्री डायमेंशन में सोचो, बीच से यहां से सर्कल, ये जो सर्कुलर बेस है तो सर्कुलर बेस है इसके मिड पॉइंट से पास होगा कोन के इस एंड से निकलेगा, ये हुई इसकी एक्सिस, ठीक है, ये पूरी एक्सिस होती है। एक्सिस का मतलब आपको सवाल के समझने के लिए क्या करना है, हाइट मान लेनी है, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अपर पार्ट, और क्या क्या बोल रहा है, ये जो काटा जा रहा है, ठीक है, ये कहां से मिड पॉइंट से पास हो रहा है, देखो
इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली इतनी हाइट और ये वाली इतनी हाइट दोनों सेम है, अगर इस वाले कोन की, छोटे वाले कोन की हाइट h मान ली जाए और बड़े वाले कोन की हाइट, पूरे कोन की हाइट कैपिटल h मान लिया है, तो आप एक रिलेशन लिख सकते हो क्या, h अपॉन स्मॉल h, ये कितना हो जाएगा, एक बटा दो। ठीक बात है, अगर कैपिटल h देखो यहां से दो होगा तो स्मॉल h तभी तो एक आएगा, क्योंकि ये जितनी हाइट बच गई यहां से लेके यहां तक, ये वाली हाइट ये फर्स्ट टर्म की हो जाएगी, ये भी h होगी, तो दोनों मिलके ही तो देंगे, तभी तो h इक्वल टू 2h हो पाएगा, यहां से h अपॉन h क्या आ गया 1 अपॉन 2। ठीक बात है, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसका, हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स अपर पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म का, हम इसके वाले कोन का, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम लिखते हैं 1/3 पाई, इसकी रेडियस आप स्मॉल r मान लो और इस बड़े वाले पूरे वाले कोन की रेडियस कैपिटल r मान लो पूरे कोन की, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h। ठीक, अब देखो हम रेशियो निकाल रहे, हमसे पूछे तो फर्स्ट टर्म का है, पर हम पूरे कोन का निकाल लेते हैं, पूरे कोन का निकालना बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो ये पूरे कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक बात है, देखो ये 1/3 पाई और ये 1/3 पाई गया। ठीक बात है, अब देखो एक रिलेशन हम और लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा, ये आपस में सिमिलर होंगे, ये हम लोग प्रूव कर चुके कई बार। ठीक है, इसमें हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। ठीक बात है, अब देखो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच का ये वैल्यू जो है 1/2 यहां पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 1/2, कैपिटल आर कितना आ गया 2r के बराबर। ठीक है, कैपिटल आर आ गया 2r के बराबर, तो यहां पर वैल्यू पुट करो कितना बचा, r स्क्वायर h है यहां पर, कैपिटल आर 2r के इसका स्क्वायर होगा तो ये 4r स्क्वायर, और h देखो कितना होगा, कैपिटल h किसके बराबर, देखो यहां पर 2h के बराबर, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप, ये कितना 2 into h, देखो ये h और ये r स्क्वायर गया, कितना रेशियो आया 1/8। देखो अभी हमारे पास 1/8 ये आया क्या है, देखो ये इसका मतलब ये है कि अगर छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1 है और बड़े वाले का 8 है, पूरे का 8 है, ठीक है, उसमें छोटे वाले का 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म का कितना बचा, 7 पार्ट, और हमसे पूछा क्या अपर पार्ट यानी छोटे कोन का और फर्स्ट टर्म का, तो कितना हुआ 1:7, 1:8 ऑप्शन नहीं आएगा, हमने निकाला ही कुछ और है, हमने बड़े वाले कोन का निकाल दिया है, हमसे पूछ रहा है इस वाले कोन का और इस फर्स्ट टर्म का, तो 1:7। ठीक बात है, क्योंकि जो बड़ा वाला कोन है वो बना किससे, छोटे वाले कोन से और फर्स्ट टर्म से ही मिलकर तो बना है। ठीक है, तो 1:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अ कोन अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस ऑफ रेडियस आर एंड हैव एन इक्वल हाइट एच, देयर होल सर्फेसेस आर इन द रेशियो, होल सर्फेसेस आर इन द रेशियो का मतलब होल सर्फेस एरिया का रेशियो क्या है, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना, कोन है हेमिस्फीयर सिलेंडर, देखो अगर हम बात करें सिलेंडर बनाना चाहो तो सिलेंडर देखो ऐसे बना लोगे, ठीक बात है, यहां से लेके और ये ऐसे बना लिया सिलेंडर हमने, अब इनका इक्वल बेस और क्या है, इक्वल हाइट पे खड़े हो रहे, आप बताओ कैसे बनाना चाहिए, अगर मैं बताओ देखो सिलेंडर बना लिया, हेमिस्फीयर बनाना चाहिए, तो देखो बेस तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, उसका बेस और इसका बेस सेम हो रहा है, देखो अगर हम बनाने की कोशिश करें यहां से लेके ये, अगर हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर, तो देखो ये हेमिस्फीयर बन गया हमारे पास, उल्टा हेमिस्फीयर बनाया है, बनाने को सीधा भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसा भी बना लो आप, और देखो ये जो हाइट है एक्चुअली में, ये देखो इसकी हाइट जो h दे रखी है यहां से यहां तक, ठीक है, ये हाइट दे रखी है h, और देखो यहां से और क्या है, इसमें हमारे पास कोन है, अब कोन देखो कहां से हाइट h हो रही है, तो ये यहां से मिड पॉइंट से ही जुड़ेगा, ये आप मान के चलना, इसको थोड़ा और ऊपर लेते तो ये यहां से यहां तक ये सेंटर से पास होता, ठीक है, ठीक बात है, अब देखो हाइट h और रेडियस कितनी r दे रखी है, कैपिटल r, ये रेडियस हो गई बेस की इन सबके, हमसे क्या पूछ रहा होल सर्फेसेस का रेशियो का, ठीक है, देखो आप बताओ कोन का जो किसका कोन का, देखो कोन का कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर एल प्लस आर ये होता है, ठीक है, अब देखो किसका हेमिस्फीयर का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है, और सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर ये होता है हमारे पास, ठीक बात है, अब देखो यहां से स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट को कैसे लिखोगे, अब एक ध्यान देने वाली बात देखो आप, तीनों का क्या दिया हुआ, रेडियस सेम और इक्वल हाइट एच, अगर हम इस हेमिस्फीयर की बात करें, इस हेमिस्फीयर की बात करें, तो देखो जो हाइट होगी वो क्या रेडियस के बराबर है, देखो यहां से ये अगर सेंटर हुआ, ठीक है, हेमिस्फीयर का, तो ये जितनी रेडियस आ रही है क्या वही चीज यहां तक नहीं होगी, ठीक बात है, वही, और ये एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी हाइट के बराबर, मतलब रेडियस इक्वल टू हाइट आ रखा है, ठीक है, अब जहां जहां आपको हाइट मिलेगी वहां रेडियस से रिप्लेस कर दो, और देखो ये स्लैंट हाइट है इसमें फॉर्मूले में, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक बात है,
एच की वैल्यू आर के बराबर है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एल कितना आ गया आर अंडर रूट टू, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करो यहां से, पाई कैपिटल आर, ये कितना आर अंडर रूट टू प्लस कैपिटल आर, ये कितना हो गया थ्री पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और ये देखो कितना हो गया टू पाई कैपिटल आर, और एच की वैल्यू आर के बराबर तो आर प्लस आर टू आर, ठीक है। देखो पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हुआ, ठीक बात है, यहां से देखो आर कॉमन हुआ तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर, ये कितना रूट टू प्लस वन, ठीक बात है। देखो ये थ्री आर स्क्वायर बचा और ये कितना बचा फोर आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेशियो कितना आया रूट टू प्लस वन इज टू थ्री इज टू फोर, ठीक है, किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी पार्ट में दिया हुआ है, रूट टू प्लस वन इज टू थ्री इज टू फोर, ठीक बात है, समझ गए। ये हाइट इक्वल टू रेडियस कैसे हुई, देखो यहां से अगर हम इस हेमिस्फीयर की बात करें, इस हेमिस्फीयर की, तो ये उसका सेंटर होगा, ठीक बात है, कहीं सेंटर होगा, और देखो जितनी ये रेडियस होगी उतनी क्या ये डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा अगर यहां से यहां तक की देख रहे हो, यहां से सर्कमफ्रेंस देखो सर्किल में जैसे होता है, ये सब रेडियस के बराबर तो होगी, तो इसीलिए डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट है ये भी क्या रेडियस के बराबर नहीं है, और एक्चुअली में ये क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर, तो आर इक्वल टू एच आया। ये कैसे आया, क्योंकि ये इक्वल बेस पे खड़े और इन सबकी हाइट इक्वल है, ठीक है, इस तरह से आया, क्वेश्चन में कंडीशन दी इसलिए बन पाया, वैसे नहीं होगा ऐसा जनरल में, ठीक है, क्वेश्चन में जिस तरह कंडीशन दी इसलिए बन गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इफ अ स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सो एज टू टच द टॉप बेस एंड द लेटरल सर्फेस ऑफ द सिलेंडर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक बात है, और स्फीयर इसके अंदर प्लेस किया जा रहा है, तो हम मानते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, ठीक बात है, ये बना लिया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब एक स्फीयर है जो क्या कर रहा है, ऊपर टॉप पे छू रहा है, देखो ये यहां से लेके अगर खींच लो, ठीक है, देखो टॉप पे बॉटम तो लेटरल सर्फेस छू रहा है, ठीक है, तो देखो स्फीयर कुछ इस तरह का आएगा और ये ऐसे छूता हुआ निकल जाएगा, ये ऐसे मान लो, ठीक बात है, ये पूरा पूरा छूएगा। अब देखो क्या हुआ, रेडियस कितनी दे रखी स्फीयर की, कैपिटल आर, देखो सेंटर यहां कहीं, ठीक बात है, कैपिटल आर रेडियस हो गई, देखो ये रेडियस आर होगी, ठीक बात है, और हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है वॉल्यूम का, तो पाई आर स्क्वायर हाइट चाहिए होती है। देखो ये जो हाइट होगी क्या ये डायमीटर के बराबर हो जाएगी, यानी एच इक्वल टू टू आर आया, अरे देखो ये रेडियस आर है ये भी रेडियस आर होगी, तो हाइट के डायमीटर, क्योंकि ऊपर भी छू रहा है और नीचे भी छू रहा है, तो एक्चुअली में टॉप से टॉप तक की दूरी तो होती है हाइट, अभी तो पिछले सवाल में किया, ठीक है, देखो यहां इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी को तो हाइट कहते हैं, यही तो, और ये है कितनी रेडियस प्लस रेडियस 2r, तो मतलब h इक्वल टू 2r आ गया, ठीक बात है। अब देखो अब इसकी रेडियस कितनी होगी, हमें क्या चाहिए इसकी रेडियस, किसकी सिलेंडर की, देखो यहां से अगर अब हमने ये देखा था वर्टिकली, अब हम हॉरिजॉन्टली देखें यहां से यहां तक, देखो ये, तो अगर हम इसकी रेडियस मान लें किसकी सिलेंडर की स्मॉल r, देखो यहां से ये जो दोनों को छू रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लेटरल सरफेस को छू रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अभी भी कितनी 2r, 2 कैपिटल r, और ये एक्चुअली में क्या होगा डायमीटर हो जाएगा, ये बराबर इसके बराबर, देखो यहां से इसके बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ 2 कैपिटल r इक्वल टू 2 स्मॉल r, ये 2 से 2 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी r के बराबर, ठीक बात है। अब देखो आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, पाई r स्क्वायर h होना चाहिए, ठीक है, देखो पाई रेडियस कितनी कैपिटल आर स्क्वायर, हाइट कितना 2r, कितना आ गया 2 पाई r क्यूब वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ऑप्शन ए पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अ सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सेमीस्फीयर एंड अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन द सिलेंडर सो एज टू हैव इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ वन एंड एंड द अदर एंड एज इट्स बेस, द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड द कोन आर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ, अब देखो क्या है, एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, हेमिस्फीयर को, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर है, ठीक बात है, और कोन इंस्क्राइब है सिलेंडर के अंदर, मतलब अभी भी सिलेंडर बाहर कोन अंदर है, तो देखो कैसे करेंगे, यहां से देखो पहले बनाओ क्या सिलेंडर को, तो सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है, देखो ये सिलेंडर हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनेगा जैसा कि हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में किया, ठीक है। अब इसके अंदर हेमिस्फीयर, क्योंकि सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है हेमिस्फीयर को, तो ये हेमिस्फीयर ऐसा ही कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ हेमिस्फीयर, ये बेस हो गया। अब कोन इसके अंदर और कोन की एक वर्टेक्स का है सेंटर ऑफ वन एंड, मतलब यहां पर अगर हम सेंटर बनाएं तो एक वर्टेक्स यहां पर और दूसरा कहां पे, देखो बेस पे लाई कर रहा है एक एंड, तो मतलब कोन ऐसा होगा कुछ, ठीक बात है, ठीक है, ये बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस वॉल्यूम पूछ रहा है सिलेंडर हेमिस्फीयर का और कोन का रेशियो क्या होगा।
अगर रेडियस आप इसकी मान लो क्या, देखो ये मान ली स्मॉल आर कैपिटल आर मान लो और हाइट मान लो एच, तो क्या अभी भी हाइट की वैल्यू रेडियस के बराबर नहीं होगी जैसा उस क्वेश्चन में किया था? ठीक है, तो उस समय होल सर्फेस एरिया पूछा, इसमें वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम निकाल सकते हो आराम से। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच कितना, आर के बराबर, तो यहाँ पे आर रख दिया। अब देखो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं हमसे, कोण 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और हाइट किसके बराबर, रेडियस के बराबर, तो ये आर। देखो पाई पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, कितना बच गया, देखो ये 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3:2:1 हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। ऑप्शन बी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज अ रेक्टेंगल 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। द स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द एपेक्स इज 29 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब देखो पिरामिड क्या, कैसे बनता है पिरामिड, पहले वो देखते हैं। देखो पिरामिड में क्या, एक बेस है, ये हमारे पास बेस किस तरह का दिया हुआ, रेक्टेंगल। देखो यहां से ध्यान से, अगर ये रेक्टेंगल बेस दिया है और इसकी लेंथ कितनी, ये 40 दे रखी है और ब्रेथ कितनी, ये 20 दे रखी है। ठीक बात है, अब देखो कैसे बनेगा पिरामिड। देखो ये जो इसकी चारों एजेस हैं, इससे देखो यहां से ये चारों वर्टेक्स से ऊपर की तरफ जाओ आप और एक जगह पर मिलाने की कोशिश करो इसको। ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, और अब ये देखो, ये तो देखो ये जो वर्टेक्स होती है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। सपोज करो ये रेक्टेंगल आपके पेपर पे है, ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स निकल जाएगी प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, थर्ड डायमेंशन में। ठीक बात है, पिरामिड एक 3D डायग्राम है। ठीक है, अब देखो क्या है, ठीक है, तो ये इसका बेस रेक्टेंगल और ये पिरामिड बना है, इस पिरामिड का वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे। और पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए, 1/3 एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या, हाइट। ठीक है, देखो एरिया ऑफ बेस, बेस कभी फिक्स नहीं होता। फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि हम इस रेक्टेंगल की जगह मान लो स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या हेक्सागन रख सकते हैं, या फिर हम पेंटागन रख सकते हैं, ट्रायंगल रख सकते हैं, ट्रायंगल बेस बना दो, तो इसीलिए एरिया ऑफ बेस होता है, क्योंकि अगर बेस बार बार चेंज होगा तो उसका एरिया भी चेंज होगा, इसीलिए फॉर्मूले में एरिया ऑफ बेस रखते हैं। ठीक है, और हाइट है। अब देखो स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है पिरामिड के अंदर, स्लैंट हाइट का मतलब होता है ये जो एपेक्स वर्टेक्स आई है आपके पास, ये जो ऊपर वाली वर्टेक्स, ठीक है, इसमें से क्या करो आप, क्या करो ये जो बेस है हमारे पास, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दो, वो जितनी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट। किसी भी एक बेस के किसी भी एक साइड से उसके मिड पॉइंट से उस वर्टेक्स को ज्वाइन करो, जितनी लेंथ होगी वो होगी स्लैंट हाइट। देखो ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 29। ठीक है, स्लैंट हाइट और हाइट में फर्क है। ठीक है, यहां पर फॉर्मूले में हाइट होता है, स्लैंट हाइट नहीं होता, हाइट हमको निकालनी पड़ेगा। और हाइट देखो क्या होता है, हाइट होता है ये जो एपेक वर्टेक्स है, इससे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पर, ये जो बेस है इसके सेंटर से मिला दो, ये जो बेस है इसके सेंटर से मिलाओ, कोई भी बेस हो, ट्रायंगल का बेस हो, रेक्टेंगल का बेस हो, स्क्वायर का बेस हो, इसको यहां से मिलाने पर ये जो मिलता है हमको, ये होती है हाइट। ठीक बात है, अब देखो और ये इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो, तो अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल के ये हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये 29 दे रखी, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों होगा, देखो ये परपेंडिकुलर ऊपर से आ रहा है, ये एंगल 90 का होगा, अरे प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर से ड्रॉप करोगे किसी भी एंगल, किसी भी उस पे सरफेस पे, तो परपेंडिकुलर गिरेगा ना, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो एबीसी में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, ये 29 हुआ, ये देखो कितना है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, हमें एसी निकालनी है, ये बीसी हमें पता है, पर ये मिड पॉइंट पे गिर रहा है, ठीक है, और ये 40 इसकी लेंथ दे रखी है, तो ये कितनी हुई बीसी, 20। ठीक बात है, अब देखो एसी निकालना है, हमको एक चीज और पता है, 20 21 और 29 मतलब 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये एसी कितना हो गया, 21, मतलब हाइट आ गई 21, 29 नहीं होगी पहले तो 21 होगी। ठीक है, और आपको निकालनी नहीं, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 20 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट जितने याद कर लोगे उतना फायदा होगा, कोई भी रैंडम ट्रिपलेट पेपर में आ सकता है किसी भी तरीके से। ठीक बात है, तो 20 21 और 29 का एक ट्रिपलेट हो गया। अब देखो हाइट आ गई, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकालेंगे, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना होगा, 40, रेक्टेंगल के एरिया कितना, 40 इंटू 20 और हाइट कितनी है, देखो ये 21, तो ये 21 यहाँ पुट करो, ये 3 से ही कट गया, कितना 7 टाइम्स, 4 इंटू 2 ये 800, 800 इंटू 7 कितना हो गया 5600, 5600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ इसका वॉल्यूम, ऑप्शन ए पार्ट। ठीक बात है, ठीक है, ये आ गया, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखिए।
A copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 121 meter square. If the same wire is bent to form a circle, the area enclosed by it would be. ठीक है, अब देखो एक कॉपर वायर है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लेते हैं, तो कॉपर वायर ऐसा होगा स्क्वायर की फॉर्म में अगर बात करें तो. ठीक है, अब इसका एरिया कितना 121. ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया 121. आपको पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, अगर उसकी साइड ए होती है, मतलब कितना ए स्क्वायर हो गया 121, तो यहां से ए कितना आ गया 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, मतलब साइड हमारे पास कितनी आ गई 11. ठीक है, अब देखो ये 11 एक साइड आ गई, तो पूरी चार साइड कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44, और ये जो पेरीमीटर है वो एक्चुअल में क्या आया, पूरे वायर की लेंथ. ठीक है, अगर इसको आप यहां से खोल दो तो ये 11 ये 11 ये और 11 ये, चारों 11. ठीक है, तो 44 पूरे वायर की लेंथ. अब देखो इसी वायर को क्या एक सर्किल में बनाया जा रहा है, मतलब क्या हुआ जो सरकमफेरेंस अब होगा सर्किल का 2πr, वो किसके इक्वल, 44 के इक्वल. हमसे क्या पूछ रहा है एरिया, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस, 2πr यानी सरकमफेरेंस कितना हो गया 44. ठीक है, क्योंकि इसी वायर से हम सर्किल बना रहे हैं, तो यहां से रेडियस कितनी आ गई 44 अपॉन 2πr, पाई की वैल्यू 22 × 7, देखो ये 22 × 2 = 44 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, रेडियस कितनी आ गई 7, एरिया कितना आ गया πr स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49, ये पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 × 49, ये 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 22 × 7 जो आता है 154 के इक्वल. ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 देखिए. अ स्फीयर ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ 80 सेंटीमीटर डायमीटर व्हिच इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, then its level rises by x centimeter, find x. अब देखो क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हमने एक स्फीयर डाला हुआ है. देखो जैसे ये सिलेंडर मान लो आप, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसा ये सर्कुलर सरफेस इसकी बना लीजिए. ठीक बात है, अब इसमें देखो इसकी क्या है डायमीटर 80 है, तो रेडियस कितना हो गया यहां से यहां तक 40 हो गया रेडियस. ठीक है, अब एक स्फीयर डाला जाए इसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये सपोज करो आप ये स्फीयर को डाला गया जिसकी रेडियस कितनी है यहां से यहां तक 30 है. ठीक है, अब देखो पहले अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कुछ वाटर होगा, यहां से मान लो यहां तक सपोज करो ये हाइट h तक इसका वाटर था. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना रहा होगा सिलेंडर में पानी का, पाई आर स्क्वायर एच. जब इसमें स्फीयर इंसर्ट नहीं किया गया था, जब इसमें स्फीयर डाला नहीं गया था, तब पाई आर स्क्वायर एच. अब जब ये स्फीयर इसमें डाला जाएगा तो ये हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहां से यहां तक, मान लो अब पानी यहां तक आ गया. ठीक है, ये जो हाइट बढ़ी इसको मान लेते हैं हम x. ठीक है, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया सिलेंडर के अंदर, पानी का वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स, इतना वॉल्यूम हो गया. ठीक है, अब देखो ये जो पानी बढ़ेगा, जो वाटर लेवल बढ़ेगा, वो किस लिए, क्योंकि इसमें स्फीयर डाला गया, तो ये जो चेंज आएगा यहां से लेके ये जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो किसके वॉल्यूम की वजह से आएगा, स्फीयर के वॉल्यूम की वजह से चेंज आएगा. ये जो सिलेंडर के अंदर जो वाटर है, जो पानी है, इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो किसके वॉल्यूम से चेंज आएगा, वो स्फीयर के अंदर जाने से वॉल्यूम में चेंज आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस एक्स माइनस एच, ये चेंज आ गया. ये किसके इक्वल, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब देखो ये एच और ये एच कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास पाई. अब देखो आर की वैल्यू कितनी है 40 यहां पर, तो ये 40 डाल दो. रेडियस कितनी है इसकी सिलेंडर की 40, तो 40 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 4/3 पाई, और स्फीयर की रेडियस कितनी 30, तो ये 30 का क्यूब हो गया. ठीक है, देखो पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, यहां से x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 4/3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 40 × 40, ये 40 × 40. ठीक है, देखो 40 × 3 = 120 और 30 × 40 = 120 कट गया पूरा. ठीक बात है, ये देखो 0 से 0 कट गया, ये 4 से ये कितना 15 बार जाएगा, 2 से अगर कैंसिल करो और ये 2 बच जाएगा, कितना गया 45/2, मतलब कितना हो गया 22.5. जो वाटर का लेवल बढ़ेगा वो 22.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा पहले से. ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 देखिए. 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू स्मॉलर स्क्वायर. अब देखो ये मान लो अगर हमारे पास ओरिजिनल स्क्वायर था, ठीक है, अब चार आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को काटा जा रहा है हर कोने से. ठीक है, तो देखो अगर ऐसे काटोगे और फिर ऐसे काटोगे, फिर अगर ऐसे काटा और ऐसे काटा, तो अब हमसे क्या बोल रहा है, नए स्मॉलर स्क्वायर का एरिया बताओ.
देखो ये कहीं स्क्वायर बनेगा, ये डायग्राम कहीं स्क्वायर बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब हमने जो काटा है वो गलत काटा है। काटा कैसे जाएगा, देखिए आप इसको यहां से लेके यहां तक मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। काटने का बाद क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। मतलब क्या हुआ, ये मिड पॉइंट यहां से कटेगा, ऐसे मिड पॉइंट, ये ऐसे मिड पॉइंट और ये ऐसे मिड पॉइंट, तभी तो स्क्वायर बन सकता है, ठीक बात है। ये बात समझिएगा, काटा कैसे जाएगा, इस तरह से काटा जाएगा कि दोनों जो ट्राइंगल्स कट रहे हैं उनका मीटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, वहां पर मीट करने चाहिए, ठीक है। ये वर्टेक्स कॉमन आनी चाहिए, ठीक है, दो ट्राइंगलों के बीच में, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। अब इस वाले स्क्वायर का हमसे एरिया पूछ रहा है और हमको दिया है कि ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया कितना है, 400। ये पूरे स्क्वायर का एरिया 400 है, हमसे पूछ रहा है ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा। देखो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पूरा 400 है तो देख लो ये कितना हो जाएगा। अगर सपोज करो 400 एरिया था तो 20 साइड आ जाएगी, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये 20 साइड आ गई और ये 20 साइड आ गई, ठीक है। अब देखो ये मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं, राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाएंगे, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस से मतलब ये साइड इक्वल और ये एंगल 90 का है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अगर ये 20 साइड थी तो ये 10 बची, ये वाली 10 बची, तो ये कितनी हो गई, ये वाली 10√2, आपको पता है पाइथागोरस से। अब साइड आ गई हमारे पास 10√2, तो एरिया कितना आ जाएगा, 10√2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 100 × 2 = 200, ठीक है। तो 200 हमारे पास एरिया आएगा इस नए स्क्वायर का। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो इससे भी अच्छा तरीका है, क्या, देखिए यहां से अगर ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और ये यहां से ऐसे कट रहे हैं मिड पॉइंट से सारे, ये सपोज करो आप मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्या, ये इक्वल चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, और अब हम क्या कर लेते हैं, इसके डायगनल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक बात है। देखो अब देखो इस फिगर में कितने और ट्राइंगल बन गए, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखो ये आठों ट्राइंगल का एरिया एकदम इक्वल होगा, आठों ट्राइंगल का सिमेट्री से, या आप प्रूफ भी कर सकते हो, पर यहां पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिमेट्री हमको बता रही है क्या, डायगनल से खींचे जाएंगे तो ये चारों अंदर वाले ट्राइंगल और चारों बाहर वाले ट्राइंगलों का एरिया इक्वल, मतलब आठ का एरिया कितना हो गया, आठ ट्राइंगलों का एरिया 400। हमसे क्या पूछ रहा, अंदर वाले स्क्वायर का, अंदर वाले स्क्वायर में देखो कितने ट्राइंगल, 4, देखो ठीक है। अगर पूरे 8 ट्राइंगल का एरिया कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो अंदर वाले 4 का कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो गया, 8 से 4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा, 4 का एरिया 200 आ गया यहां से भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी पार्ट किसी भी मेथड से करिए आप, ऑप्शन सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा क्या है, मतलब खूबसूरती है इस मेथड में देखने के लिए, इसमें तो आपको प्योर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन काम कर जाएगा इस मेथड में, तो इसको मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा ब्यूटीफुल तरीका है, ठीक है, करने का। बाकी आप किसी भी मेथड से चूज करो, आंसर एक ही आना है और ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें आपको 10-15 सेकंड बच सकते हैं और इस वाले मेथड में थोड़े से ज्यादा लगेंगे, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अ राइट सर्कुलर कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इज कट एट 4/5 ऑफ इट्स हाइट अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू द सर्कुलर बेस। द हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन इज 75 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ कट आउट टॉप पोर्शन कोन, ठीक है। अब देखो यहां से ये कोन है हमारे पास, ये बात हो गई कोन की, ये यहां से यहां तक कोन था, और क्या कह रहा है, इस बेस को कैसे काटा जा रहा है, 4/5 ऑफ इट्स हाइट अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू द सर्कुलर बेस। और ओरिजिनल कोन की हाइट कितनी है, 75, मतलब 75 यहां से यहां तक की हाइट है, ठीक बात है। और इसको काटा कहां जा रहा है, 4/5 पे, मतलब ऐसे काटा जा रहा है 4/5 पे। 4/5 का मतलब समझिए कितना हुआ, अगर पूरे ओरिजिनल कोन की हाइट 5 थी तो अब कितने पे, 4 पे काटा जा रहा है, ठीक है, नीचे से, बेस से, ठीक है, बेस से। देखो 5 अगर ओरिजिनल होगी तो 4 से काटा जा रहा है, तो और ओरिजिनल दी कितनी है, 75, मतलब 5 की वैल्यू 75 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू कितनी, 15 के इक्वल, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 60, मतलब कितनी डिस्टेंस पे काटा जा रहा है, देखो नीचे से 60 की डिस्टेंस पे काटा जा रहा है, ठीक है, नीचे से 60, मतलब ऊपर से कितना हो गया 15, यानी इस वाले छोटे वाले कोन की हाइट कितनी आ गई हमारे पास 15, और ये पूरे बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है, 75। अब देखो इसकी अगर रेडियस आप मान लो, ये अगर कोन है छोटा वाला, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर मान लो, और अब आपको पता है इसमें एक रिलेशन लगता ही लगता है, ये कैपिटल आर रेडियस मान लो, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू छोटे वाले की हाइट अपॉन बड़े वाले की हाइट, छोटे वाले की हाइट कितनी है 15 निकाल ली, बड़े वाले की हाइट कितनी है 75। देखो ये कट गया 5 बार, और ये हमको दिया हुआ है क्या, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, देखो डायमीटर 42 दिया है, तो रेडियस कितनी होगी 21, मतलब r अपॉन 21 इक्वल टू 1/5, यहां से रेडियस कितनी आ गई 21/5, जो कि कितना आएगा 4 टाइम्स कैंसिल होगा और पॉइंट लग के 0.2
सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो ये छोटे वाले की रेडियस आ गई 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए पार्ट में आंसर दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुआ, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। तो ये रिलेशन बहुत होल्ड करता है कोड के अंदर, ये सिमेट्री वाला, मतलब सिमिलैरिटी वाला, जो सिमिलर ट्रायंगल से आप प्रूव कर सकते हो, ये थीटा मान लो और फिर ये एंगल 90 होंगे तो दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो जाएंगे, इस चीज को बता चुके हैं, तो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, इस तरह से बहुत सारे सवाल कोड में आते हैं और ये आगे भी आते रहेंगे, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो ये थे इस प्रेजेंटेशन के 10 सवाल, थैंक यू सो मच।